नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फ्लिपकार्ट पर 23 सितंबर से बिग बिलियन डे सेल स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों मैंने उसी सेल में से, यानी दोस्तों सेल तो स्टार्ट भी नहीं हुई है, बट फिर भी हमें सैमसंग गैलेक्सी S22 Plus के ऊपर पहले से ही काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिला है। तो दोस्तों मैंने उसी सेल से इस फ़ोन को मंगाया है। मेरे पास है दोस्तों ये बॉक्स जिसके अंदर है सैमसंग गैलेक्सी S22 Plus सैमसंग की तरफ से, जो कि दोस्तों जब लॉन्च हुआ था तो 85,000 का था, 8GB 128GB वाले वेरिएंट। बट मैंने इसको कितने का मंगाया है जो मैं आपको बता चुका हूँ, और मैं आज के आपके सामने आज इस फ़ोन की करता हूँ अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों जो मैंने मंगाया है काफ़ी कम प्राइस में, तो मैं आप चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं चेक करने के लिए बॉक्स ओपन कर लिया था, ये फ्लिपकार्ट का बॉक्स देगी है, मैं आपको दिखाता हूँ इसको ओपन करके। तो दोस्तों देखिए इसमें और कुछ भी नहीं है, जी है मोबाइल डिब्बा और जी है इसका बिल, चलिए साइड में रखते हैं। तो दोस्तों देखिए काफ़ी पतला बॉक्स है, तो इससे ही आपको पता लग गया होगा कि इसके अंदर दोस्तों हमें एडाप्टर नहीं मिलने वाला है, सैमसंग गैलेक्सी S22 Plus। दोस्तों जिस वाइट कलर का S भरा हुआ है, तो इसका मतलब जो वाइट कलर का बॉक्स है फोन है इसके अंदर। और दोस्तों मैं चलिए मैं इसकी हाइलाइट दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 8GB 128GB वाला वेरियंट है इसके। दोस्तों कुछ EMI वगैरह हैं, IMI नंबर, साइड दोस्तों कुछ भी नहीं है, और पीछे दोस्तों इसकी प्राइस मेंशन की हुई है 1,01,999, बट ये एक्चुअल में काफ़ी कम का है अभी फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो दोस्तों चलिए इसको ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको। वैसे मैंने इसकी सील वगैरह ओपन कर दी है, क्योंकि चेक करने के लिए एक ओपन की एक नहीं की थी। तो दोस्तों अगर आपको ये फ़ोन लेना है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, आप देख सकते हो इसकी तरफ, मैं आपको इसको दिखाता हूँ। तो ये फ़ोन है दोस्तों हमारे पास वाइट कलर का, इसको अभी रखता हूँ। और देखिए दोस्तों इसमें और कुछ भी नहीं है जी, हमें एक और बॉक्स मिलता है इसके अंदर। दोस्तों सबसे पहले ऊपर है इसकी सिम इजेक्टर टूल, दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। इसके अंदर दोस्तों ये है डाटा केबल जो दोनों तरफ टाइप सी वाली है, ये देखिए। और इसके अंदर दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, ये देखिए, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर दोस्तों। हमें ना तो इसके ऊपर दोस्तों हमें के अंदर ना तो हमें इसका कवर मिलता है, और ना ही कोई एडाप्टर वगैरह। तो देखिए वाइट कलर का फ़ोन है मेरे पास, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी कूल लगता है, ये देखिए। वैसे आप अपने अपनी पसंद होती है, इसका वाइट कलर काफ़ी अच्छा है दोस्तों, ग्रीन कलर आता है वो भी काफ़ी अच्छा है, बट मुझे वाइट अच्छा लगा तो मैंने वाइट ऑर्डर कर दिया। दोस्तों इसमें हमें 3 कैमरे मिलते हैं बैक साइड में, इसके फ्रंट में दोस्तों हमें 1 कैमरा मिलता है। चलिए मैं इसका रैप हटा देता हूँ। तो देखिए हमारा फ़ोन काफ़ी अच्छा प्यारा लग रहा है, देखिए इसके ऊपर दोस्तों मैंने टेम्पर ग्लास भी लगवा दिया था, पर मैं आपको अनबॉक्सिंग वाली एक फीलिंग शेयर कर रहा हूँ। मैंने इसके ऊपर टेम्पर भी लगवा दिया था दोस्तों, और लेमिनेट भी करवा दिया, पीछे साइड में लेमिनेट करवा दिया जिससे कोई इसमें स्क्रैच वगैरह ना आए, क्योंकि काफ़ी महंगा फ़ोन है दोस्तों, तो सेफ्टी भी ज़रूरी होती है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको ऑन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने इसको ऑन कर दिया, तो काफ़ी अच्छा दोस्तों इसमें डिस्प्ले है, इसमें दोस्तों हमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिलते हैं, और मैंने इसको वाईफाई वगैरह सबसे सेट कर रखा है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर है इसके अंदर। इसके अंदर दोस्तों हमें जो प्रोसेसर मिलता है वो है स्नैपड्रैगन का 8 Gen 81 वाला, जो दोस्तों नया प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन की तरफ से, काफ़ी अच्छा फ़ोन है दोस्तों, काफ़ी स्मूथ चलता है। बैटरी दोस्तों इसके अंदर 4500 mAh की दी गई है। और दोस्तों इसकी स्पीकर की बात की जाए तो दोस्तों इसमें डुअल स्पीकर है, टाइप सी वाला पोर्ट है दोस्तों, यहाँ पर सिम ड्रे है इसकी, इसमें आप एक सिम लगा सकते हो और कुछ भी नहीं लगा सकते, दूसरी सिम लगानी होगी दोस्तों तो आपको ई सिम का यूज करना पड़ेगा। दोस्तों इस साइड में आपको पावर बटन दिया गया नीचे, और जो वॉल्यूम अप डाउन बटन है, इस साइड दोस्तों कुछ भी नहीं है, और ऊपर दोस्तों जो सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक है। दोस्तों इसमें आपको फ्रंट और बैक दोनों तरफ गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, तो जो कि एक लेटेस्ट प्रोटेक्शन है दोस्तों गोरिल्ला ग्लास की तरफ से। इसके जो फ्रेम की बात करूं
दोस्तों जो ये फ्रेम है ये एल्यूमिनियम का है, तो ये प्लास्टिक नहीं है, तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी इस फोन की। और दोस्तों काफ़ी पतला है, काफ़ी हैंडी भी है देखिए है। इसकी डिस्प्ले की बात करूँ तो 6.6 इंच की इसकी डिस्प्ले होती है, जो दोस्तों ज़्यादा बड़ी नहीं है, नॉर्मल डिस्प्ले होती है। दोस्तों इस फ़ोन में एक नया फीचर है जो दोस्तों नए अपडेट के बाद आया है, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए ये वो फीचर है, जब आप अपने फ़ोन को अब दोस्तों ये नया जो अपडेट आया है लास्ट वाला उसको अपडेट कर लोगे तो आपके फ़ोन में नया फीचर आएगा प्रोटेक्ट बैटरी नाम से। जब आप इसको ऑन कर देते हो तो दोस्तों इससे क्या होगा कि आपके फ़ोन की बैटरी, जब आप ऐसा होता है हम फ़ोन चार्ज में लगा देते हैं तो वो 100% बैटरी दोस्तों क्या होता है जब हम अपना फ़ोन चार्ज में लगाते हैं तो हमारे फ़ोन 100% होने के बाद भी उसमें दोस्तों जो पावर होती है, पावर की सप्लाई दोस्तों वो कंटिन्यू रहती है। बट दोस्तों अब क्या होगा जब आप इस फीचर को ऑन कर दोगे तो आपका फ़ोन 85% तक चार्ज होगा, उसके बाद दोस्तों ऑटोमेटिकली पावर सप्लाई बंद हो जाएगी। भले ही आपका फ़ोन चार्जिंग में लगा हुआ है और आप निकालना भूल गए हो तो भी दोस्तों आपके फ़ोन में पावर सप्लाई नहीं जाएगी, 85% तक ही आपका फ़ोन चार्ज होगा। इससे दोस्तों क्या होगा कि आपके फ़ोन की जो बैटरी है उसकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ये एक नया फीचर दिया है सैमसंग ने जो दोस्तों काफ़ी अच्छा फीचर है, इससे आपकी बैटरी काफ़ी लंबे समय तक चलेगी, जल्दी ख़राब नहीं होगी। और दोस्तों एक अच्छी चीज़ मुझे इसमें ये भी लगी कि ये फ़ोन आता है दोस्तों एंड्रॉयड 12 के ऊपर, ये फ़ोन दोस्तों एंड्रॉयड 12 के ऊपर आ रहा है, ये देखिए। जब आप इस फ़ोन को लेते हो तो आपको इसमें एंड्रॉयड 12 मिलता है स्टार्टिंग से ही, एंड्रॉयड 12 और वन यूआई 4.1। और दोस्तों आपको पता है कि सैमसंग हमें नए फ़ोन में 4 साल के अपडेट देता है, तो आपको इसमें एंड्रॉयड 16 तक के अपडेट मिलेंगे, प्लस दोस्तों जो सिक्योरिटी पेच लेवल हैं तो वो भी आपको 5 साल तक मिलने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों एप्पल आप देता है लगातार अपडेट, उसी तरीके दोस्तों आपको इसमें भी अपडेट मिलने वाले हैं 5 साल तक, तो ये एक अच्छी बात है। तो आपको अपडेट के मामले में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपको इसमें एंड्रॉयड 13, 14, 15, 16 तक आपको अपडेट मिलेंगे और सिक्योरिटी पेच लेवल दोस्तों काफ़ी टाइम तक मिलने वाले हैं। बैटरी हेल्थ दोस्तों काफ़ी अच्छी होती है इसकी। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है, अगर आपको ये फ़ोन चाहिए तो ये जो सेल है फ्लिपकार्ट पर उसमें ये आपको 60,000 के समथिंग दिखा रहा है, बट ये दोस्तों आपको 58,000 समथिंग का मिल जाएगा। मुझे दोस्तों ये मिला है 57,000 रुपये का, बैंक ओवर लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कि मुझे कैसे ये इतने का मिला है, मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। देखिए आपको कुछ नहीं करना, अभी सेल स्टार्ट नहीं हुई उससे पहले दोस्तों ये काफ़ी कम का है, देखिए S22 Plus मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप इसको परचेस करोगे तो दोस्तों काफ़ी कम प्राइस की दिखाएगा, ये देखिए जब भी ये वाला फ़ोन है मेरा दोस्तों, देखिए इसकी प्राइस अभी 70,000 रुपये, ये देखिए। बट इस पर दोस्तों काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है, ये देखिए आपके पास कोई सा भी बैंक का कार्ड हो, चाहे वो डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, आपको 10,000 रुपये का डिस्काउंट मिलना ही मिलना है। तो मैंने इस तरीके दोस्तों ये लिया हुआ था, प्लस दोस्तों इसमें 3,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा था ICICI बैंक के ऊपर, तो जब मैंने ICICI बैंक से इसका पेमेंट किया तो 10,000 रुपये तो दोस्तों मुझे इसके मिल गए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के, जो किसी भी कार्ड के ऊपर मिल सकते हैं। 3,000 दोस्तों मुझे मिले थे ICICI बैंक कार्ड के, इस तरीके दोस्तों मुझे 13,000 रुपये इसमें कम हो गए। तो ये 13,000 दोस्तों 70 में 13,000 आपने कम किए तो 57 का मिला, ये किए 56,999। तो इस तरीके से दोस्तों ये मुझे सिर्फ 57,000 का मिला, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी डील है। अगर आपको कोई अभी लेना है तो अभी भी ले सकते हो 57 का, अभी दोस्तों आपको 60 का मिलेगा। अगर आपके पास फ्लिपकार्ट का एक्सपीरियंस क्रेडिट कार्ड है तो 57 का मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी डील है और जो अभी सेल स्टार्ट भी नहीं हुई उससे पहले दोस्तों इस पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। दोस्तों वैसे तो आपको इस फ़ोन के बारे में काफ़ी कुछ पता होगा, फिर भी दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई है क्योंकि मैंने फ़ोन परचेस किया, ये देखिए यहाँ पर भी दोस्तों इसका ये एड आ रही है। तो अगर आपको ये चाहिए तो इसका ख़रीदने का लिंक दोस्तों मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको जितने का ही मिलेगा, जितने का दोस्तों इसमें दिखाया जा रहा है 60 का और भी कम हो सकते हैं, तो लिंक आपको नीचे बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि ये फ़ोन आपको कैसा लगा। और इस सेल में दोस्तों मुझे सिर्फ 2 ही फ़ोन काफ़ी अच्छे लग रहे हैं वैल्यू फॉर मनी, एक S22 Plus, दूसरा दोस्तों आईफोन
13 जो दोस्तों 50,000 के अंडर आने वाला है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके यही बताना कि अगर आप कोई फ्लैगशिप फ़ोन लेना चाह रहे हो तो आप कौन सा लेने की सोच रहे हो। आप S22 प्लस की तरफ जाओगे या iPhone 13 की तरफ या फिर कोई और जो आपको इन सबसे अच्छा लग रहा है, आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।